हेलो फ्रेंड्स, दिस साई नेहा फ्रॉम द क्राफ्टी फ्लेमिंगो। और आज हम कुछ बहुत ही अच्छा बनाने जा रहे हैं। मेरे पास ये की होल्डर है, मैंने इसको पहले से ही जेसो करके रखा हुआ है। और मैं यहाँ पर ये टिश्यू पेपर को कट कर रही हूँ वाटर टेक्निक से। मैंने बहुत ही सुंदर एलिफेंट वाला टिश्यू सेलेक्ट किया है। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर करें। और यहाँ मैं इसको मेजर करके इसको कट कर रही हूँ। और मैं मटेरियल लिस्ट शेयर कर दूँगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, प्लीज़ चेक करिए वहाँ पर। मैं DIY देखो ये मॉड पॉज ग्लू यूज़ कर रही हूँ, जो कि मैंने यहाँ पर घर पर ही बनाया है इसको पेस्ट करने के लिए टिश्यू पेपर को। मैं ये टॉप कोट लगाऊंगी इसमें ग्लू का, डेकोपाज ग्लू जो मैंने घर पर ही बनाया है। बहुत इजी है। अगर आपको डेकोपाज ग्लू की रेसिपी देखनी हो तो आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक ज़रूर शेयर कर दूंगी। अब मैंने यहाँ टील ब्लू कलर लिया है और इसमें थोड़ा सा मैं वाइट मिला के इसका बैकग्राउंड कलर कर दूंगी। आई एम यूजिंग एक्रेलिक कलर ओवर हियर। बारीकी से इसको काम करना है, कलर करना है, टिश्यू के ऊपर कलर ना आए। सो बहुत ध्यान से हम इस कलर को करेंगे। आजकल ये कलर मुझे बहुत पसंद आ रहा है। मैंने अभी 2-3 प्रोजेक्ट्स बनाए हैं इसी कलर के, टील ब्लू शेड के। अभी कलर सूख चुका है, मैंने यहाँ स्टेंसिल लिया है और थोड़ा सा इससे डार्कर शेड का मैं स्टेंसिलिंग करूँगी। जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि इस मोटिव्स की जरूरत है, मैं वहाँ पर स्टेंसिलिंग करूँगी हल्का हल्का। ऊपर का और नीचे का जो हिस्सा है उस पर भी स्टेंसिलिंग करूंगी यूजिंग द टेक्सचर पेस्ट, जो कि मैंने घर पर ही बनाया है। मैं उसी टेक्सचर पेस्ट को यूज़ करूंगी, मॉडलिंग पेस्ट कह सकते हैं आप। मैंने यहाँ मास्किंग टेप से इस स्टेंसिल को फिक्स कर दिया है जिससे कि ये हिले नहीं। और मैंने एक नाइफ लिया है और इसकी मैं वीडियो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर ज़रूर लिंक भी शेयर करूँगी कैसे मैंने ये मॉडलिंग पेस्ट बनाया है। बहुत ही इजी रेसिपी है इसकी।
और इसी टेक्सचर पेस्ट को मैं इधर उधर थोड़ा थोड़ा स्प्रेड कर दूंगी। मैं इसको थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए छोड़ दूंगी नेचुरल ड्राइंग के लिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगी नेक्स्ट स्टेप में। इस बीच हम थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत ही फटाफट से हम कैसे फ्लावर्स मोल्ड से बना सकते हैं। मेरे पास ये मोल्ड है, मेरी हीट गन ग्लू गन है, अच्छे से गर्म होनी चाहिए। मैंने अपने मोल्ड में ये ग्लू गन जो है इसको भर दिया था अच्छे से। फिल कर देंगे और ये बहुत ही जल्दी से हो जाता है, ये सूख जाता है, बहुत ही अच्छे से फ्लावर्स निकल कर इसमें से आ जाते हैं। हमने उसको छोड़ दिया है थोड़ी देर सूखने के लिए। अब मैंने डार्क ब्राउन कलर लिया है, चॉकलेट कलर, एक्रेलिक ही यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पर। और मैं ये एक्रेलिक कलर कर दूँगी, फिल कर दूँगी टॉप और बॉटम पर। मैंने यहाँ पर अपनी एक आर्काइवलिंग और एक स्टैम्प लिया है, मैं थोड़ा थोड़ा इधर उधर थोड़ा सा स्टैम्प करूँगी विद माय इंक। ये मोल्ड भी सूख गए हैं, ये जो मोल्ड में हमने डाला था, मैंने ऐसे बहुत सारे फ्लावर्स बना के पहले से ही रखे हुए थे। मैं ये गोल्डन वैक्स फिंगर से स्प्रेड कर रही हूँ, इससे बहुत अच्छा टेक्सचर आता है। देखिए ये जो डिज़ाइन है वो कितने अच्छे से उभर कर आया है। ये वैक्स जो होता है ये बहुत सारे अलग अलग कलर्स का आता है, यहाँ पर मैं गोल्डन यूज़ कर रही हूँ। और मैंने अल्फाबेट का स्टेंसिल लिया है और मैं यहाँ पर कुछ स्टेंसिलिंग करूँगी। लव एंड फेथ मैंने लिखा है यहाँ पर। मैंने इन मोल्ड्स जो मोल्ड्स से फ्लावर्स निकाले थे इनको मैंने पहले से ही एक्रेलिक कलर करके सुखा दिया था। मैंने सिंपल एक्रेलिक कलर किया है और सेम जो गोल्डन वैक्स है उसे थोड़ा सा ऊपर रब किया है और मैं ग्लू गन से इसको पेस्ट कर रही हूँ इन फ्लावर्स को। ये मैं देख रही हूँ कि कहाँ एडजस्ट हो सकता है, बट मुझे लगता है एडजस्ट नहीं हो रहा है दूसरा फ्लावर, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। नाउ अब मैं इसमें वार्निश करूँगी द लास्ट स्टेप।
पर आप कोई सी भी वार्निश यूज़ कर सकते हैं, बट आप थोड़ा सा जस्ट मेक श्योर कि आप क्लियर वार्निश यूज़ करें। कई बार होता है जो नॉर्मल वार्निश कई बार मिलती है जो हमारे हार्डवेयर शॉप में, वो येलोइश, जैसे ही आप उसको अप्लाई करेंगे वो आपका प्रोजेक्ट जो है वो थोड़ा येलोइश सा दिखने लगता है, तो इसलिए क्लियर वार्निश हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं यहाँ पर एशियन पेंट्स एक्वाडोर पीयू वार्निश यूज़ कर रही हूँ, इंटीरियर वाली। जो हम चीज़ें बाहर रखते हैं जैसे प्लांटर हो गया या नेम प्लेट हो गई, उसमें मैं एक्सटीरियर वाली यूज़ करती हूँ, और घर की चीज़ों के लिए मैं इंटीरियर। और अगर नहीं है मेरे पास में एक्सटीरियर, कई बार होता है ख़त्म हो जाती है, तो हम दो तीन कोट कर लेते हैं इस वार्निश का। ये की होल्डर्स के हुक्स हैं मेरे पास में, मैंने इनको फिक्स कर दिया है, और ये हमारी बहुत सुंदर सी नेम प्लेट रेडी है।